आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जिसका पेपर आज ही के दिन इसको हेल्ड किया गया था 16 जून को। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अगर आपको हम लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ए थायरिस्टर इज रिवर्स बायस, ए पॉजिटिव गेट पल्स इज अप्लाइड द थायरिस्टर। मीन्स जो थायरिस्टर को अगर हम रिवर्स बायस करें और पॉजिटिव गेट पल्स अगर इसमें अप्लाई करें तो थायरिस्टर क्या होगा, मतलब कि ऑन होगा या ऑफ रहेगा या ऑफ या ऑन कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो थायरिस्टर जो होता है ये तीन मोड में काम करता है। एक काम करता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, दूसरा फॉरवर्ड कंडक्शन और तीसरा जो होता है रिवर्स ब्लॉकिंग। ये रिवर्स कंडक्शन में कभी भी काम नहीं करता है, ठीक है, रिवर्स कंडक्शन में कभी काम नहीं करता है। तो इसका मतलब रिवर्स बायस जब हम करेंगे ना इसको, तो ये ब्लॉक कर सकता है रिवर्स वोल्टेज को, लेकिन कभी भी उसमें कंडक्शन नहीं हो सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि विल नॉट टर्न ऑन। आप जब इसमें गेट पल्स दोगे तब भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये रिवर्स कंडक्शन मोड में काम ही नहीं करता है, ये तीन मोड में काम करता है। ये भी याद रखिए आप लोग, फॉरवर्ड बायस, सॉरी फॉरवर्ड कंडक्शन होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स ब्लॉकिंग। इसका ऑप्शन जो होता है बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड मेथड फॉर एससीआर ट्रिगरिंग इज, ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है डीवी बाई डीटी ट्रिगरिंग, ऑप्शन बी है गेट ट्रिगरिंग, ऑप्शन सी है लाइट ट्रिगरिंग, ऑप्शन डी है एनोड टू कैथोड वोल्टेज ट्रिगरिंग। इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है मेथड ना, वो होता है गेट ट्रिगरिंग, तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस हैज टू गेट्स, कौन से डिवाइस के पास दो गेट्स होते हैं, तो ये ट्रैक के पास होता है, ठीक है। एक ट्रैक जो होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि चार मोड में काम करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन, रिवर्स ब्लॉकिंग, रिवर्स कंडक्शन, ठीक है, और इसके पास दो गेट्स होते हैं, तो ट्रैक जो होता है इसका राइट आंसर होगा। यही एक डिवाइस है जो चारों मोड में काम करता है, इसका यूज वोल्टेज रेगुलेटर में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ टू ट्रांजिस्टर एनालिसिस ऑफ एन एसीआर कंसिस्ट ऑफ, जो इक्विवेलेंट सर्किट जो है टू ट्रांजिस्टर एनालिसिस का एसीआर के, ये कंसिस्ट करता है किसको, ठीक है। तो देखो इसमें चार लेयर होता है, हमको जैसे पता है कि एनपी एनपी, ठीक है, चार इसमें लेयर होता है। जब हम टू ट्रांजिस्टर एनालिसिस करते हैं ना, तो एक बार क्या करते हैं कि एनपीएन लेते हैं ये वाला, फिर एक लिया जाता है पीएनपी, ये नीचे का तीन, नीचे से तीन, तो कौन कौन सा हो गया, एक हो गया पीएनपी और एक हो गया एनपीएन। देखो इसमें ऑप्शन में दिया होगा एनपीएन और वन पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो ऑप्शन डी जो होता है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैचिंग करंट इज, मींस लैचिंग करंट जो होता है वो क्या होता है, होल्डिंग करंट से इसका रिलेशन पूछ रहा है, तो लैचिंग करंट जो होता है ना वो हमेशा ज्यादा होता है होल्डिंग करंट से, ये याद रखना। ये क्या होगा, ग्रेटर देन द होल्डिंग करंट, ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। अब इसमें कुछ और ऑब्जेक्टिव बनता है जो मैं बता देता हूँ। देखो लैचिंग करंट जो होता है ना, ये टर्न ऑन प्रोसेस से रिलेटेड होता है, और दूसरा जब एनोड करंट इक्वल टू या इससे ज्यादा हो जाएगा, मोर देन या इक्वल टू हो जाएगा लैचिंग करंट के, तो जो एससीआर जो होता है ये ऑन हो जाता है, और एनोड करंट अगर लेस देन हो जाता है ना होल्डिंग करंट से, तो एससीआर हमारा ऑफ हो जाता है। तो ये भी चीज याद रखना है कि एनोड करंट जब हमारा
होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा तो एसीआर ऑफ हो जाएगा। इसको बोला जाता है कि जो होल्डिंग करंट जो होता है ये टर्न ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड होता है एसीआर के, लेकिन जो लैचिंग करंट होता है ये टर्न ऑन प्रोसेस से रिलेटेड होता है एसीआर के, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो बी होगा। देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर है, इसके पास वोल्टेज ये दिया हुआ है, सिनुसाइडल वोल्टेज है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, तो इससे हमको वी एम का वैल्यू पता चल जाएगा, वी एम 200 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और इनपुट वोल्टेज और रजिस्टिव लोड है, फायरिंग एंगल यानी कि अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है, तो जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का इसमें फॉर्मूला होता है वो होता है वी एम डिवाइड बाई 2π 1 प्लस कॉस अल्फा। तो वी एम हमें पता है कितना दिया गया है 200, और 2π से डिवाइड कर देंगे 1 प्लस, और कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, अल्फा का जगह तो 30 डिग्री रखोगे तो इसका वैल्यू होता है √3/2। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो वो आंसर आएगा 59.39 वोल्ट, लेकिन ये ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं है, इसमें कोई भी दिया हुआ नहीं है, इसलिए जो होता है ये चारों के चारों ऑप्शन जो है ना तुम्हारे गलत है, इसमें कोई भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चॉपर कैन बी यूज टू, इस चॉपर्स का यूज किया जाता है किसके लिए, इंक्रीज करने के लिए डीसी वोल्टेज को, डिक्रीज करने के लिए डीसी वोल्टेज को, या इंक्रीज और डिक्रीज द डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो देखो जो चॉपर जो होते हैं ना, स्टेप अप चॉपर भी होता है, जिसमें स्टेप अप में आउटपुट का वोल्टेज इनपुट के वोल्टेज से ज्यादा होता है, एक होता है स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर में आउटपुट का वोल्टेज जो होता है वो कम होता है इनपुट के वोल्टेज से। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है, या कम या ज्यादा कर सकता है, तो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज ये डीसी वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूजेटी कैन बी यूज्ड एज, मींस यूजेटी जो होता है हम इसको यूज कर सकते हैं कैसे, एक सॉटूथ वेव जनरेटर यानी कि सॉटूथ जो वेव होता है उसको जनरेट करने में इसका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसको ट्रिगरिंग पल्स देने के लिए भी यूज किया जाता है, किसमें, एससीआर में, गेट के थ्रू, ये भी याद रखना है। तो यूजेटी एक सॉटूथ वेव जनरेटर भी इसको बोला जाता है, या इसको हम यूज कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्टेप डाउन चॉपर है, इसके पास इनपुट वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट और ड्यूटी साइकिल दे दिया है 0.6, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है, तो जो स्टेप डाउन चॉपर होता है ना उसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो होता है अल्फा वी एस, अल्फा जो होता है ये ड्यूटी साइकिल होता है, तो 0.6 दिया हुआ है ड्यूटी साइकिल, और वी एस हो गया सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है 200, जब मल्टीप्लाइड करोगे तो ये हो जाएगा 120 वोल्ट, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कन्वर्टर विच कैन ऑपरेट इन बोथ 3 पल्स एंड 6 पल्स मोड इज, मीन्स कौन सा कन्वर्टर जो होता है इसको ऑपरेट कर सकते हैं 3 पल्स और 6 पल्स मोड्स दोनों में, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 3 फेज सेमी कन्वर्टर। ठीक है, 3 फेज सेमी कन्वर्टर, ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि स्टेप अप चॉपर है, वीएस जो है सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है, अल्फा इसका ड्यूटी साइकिल है, आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है चॉपर का क्या होगा। तो देखो जो स्टेप अप होता है उसका आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन होता है वीएस डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, अल्फा हो गया ड्यूटी साइकिल, ये हो गया तुम्हारा स्टेप अप के लिए। अगर स्टेप डाउन का पूछे तो पीछे हमने सॉल्व किया हुआ है वी नॉट इक्वल टू अल्फा वीएस, ये हो गया स्टेप डाउन का, इसमें पूछ रहा है किसका, स्टेप अप का, स्टेप अप का देखो कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसीआर कैन बी ब्राउट टू फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट
विथ गेट सर्किट ओपन व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड। ठीक है, तो जब फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा ना, तब जाके ये ऑन हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। जब तुम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक पढ़े होगे ना, तो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक तुम लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा, यही जो वोल्टेज होता है ना, इनको इसको बोला जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, वीबीओ। तो इससे ज्यादा जब हम अप्लाई करेंगे एनोड से कैथोड में, जो हम सप्लाई देते हैं एनोड टू कैथोड, तो जैसे ही इसमें ज्यादा करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा हमारा एसीआर। तो ऑप्शन ये जो होता है इसमें राइट हो जाएगा, इसमें बिना कोई गेट पल्स दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीड एंड टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी वेरीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। स्पीड और टॉर्क जो होता है इंडक्शन मोटर का, हम कैसे वेरी कर सकते हैं? तो रोटर वोल्टेज कंट्रोल से भी कर सकते हैं, सही है, रोटर वोल्टेज कंट्रोल से भी कर सकते हैं, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल से भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल से भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 14th नंबर क्वेश्चन है कि इन ए सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ ए रेजिस्टिव लोड द नेचर ऑफ आउटपुट वेव इज। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि एक सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर है, उसमें रेजिस्टिव लोड है, लोड रेजिस्टिव है, पूछ रहा है कि आउटपुट वेव किस नेचर का होगा। तो ये होगा तुम्हारा रेक्टेंगुलर का। ठीक है, ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ एसएमपीएस ओवर लीनियर पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लो पावर डिसिपेशन, ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओवरलैप एंगल ऑफ ए फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर वुड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग दी। मीन्स ओवरलैप एंगल जो होता है फेज कंट्रोल कन्वर्टर का, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। क्या चीज इंक्रीज करके? तो सप्लाई फ्रिक्वेंसी, सही है, लोड करंट को भी करके कर सकते हैं, ये भी सही है, और सोर्स इंडक्टेंस से भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्लास ए टाइप और लोड कम्यूटेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ। यानी कि क्लास ए टाइप और लोड कम्यूटेशन जो होता है पॉसिबल होगा किसमें? डीसी सर्किट, एसी सर्किट, बोथ डीसी एंड एसी सर्किट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एसी सर्किट ओनली, ऑप्शन बी जो होता है ये राइट होगा। लोड कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका लोड जो होता है ना, ये एक उसके कम्यूटेशन प्रोसेस को क्या करें कि बिना कोई कम्यूटेशन सर्किट के उसमें कम्यूटेशन करें, यानी कि उसको ऑफ करें, जो हमारा एसीआर वगैरह होता है। तो क्लास ए जो होता है ये यूज किया जाता है एसी सर्किट ओनली, सॉरी इसमें एसी सर्किट नहीं होगा, इसमें जो होगा ना आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डीसी सर्किट होगा, ऑप्शन ए जो होता है राइट होगा। ठीक है, लोड कम्यूटेशन में क्लास ए टाइप डीसी सर्किट ओनली, मुझको लगा नेचुरल कम्यूटेशन है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम डैश इज वैलिड। मीन्स इन केस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम में क्या चीज जो होता है वेरी करते हैं, इसमें होता है आपका टाइम पीरियड। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक यूपीएस रिक्वायर्स। मीन्स जो स्टैटिक यूपीएस जो होते हैं वो रिक्वायर करते हैं किसको? तो ये इन्वर्टर और रेक्टिफायर दोनों को करते हैं। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कैन बी यूज्ड एज ए सिंगल फेज स्टैटिक एसी स्विच। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रैक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो, ये जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना स्कोर जो होता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आउट ऑफ 20 जो है कितना आपका सही हुआ है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.